मोतिहारी जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के नरहर पकड़ी पुल आज दिनांक 31/8/2017 को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चुरमा में चकिया जाने वाला यातायात बंद हो गया। यहां तक कि पैदल जाने वाले भी पुल को पार करने से डर रहे हैं। आज से लगभग 15 दिन पहले इसके बगल में दरारें आ गई थी। उस समय पिपरा प्रशासन द्वारा इस पुल पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। उस समय अब सभी बड़े गाड़ी का आना जाना बंद कर दिया गया था। अभी पूरी तरह रिपेयरिंग भी नहीं हुआ था कि यातायात बाधित होने के कारण प्रशासन द्वारा यातायात चालू कर दिया गया और आसपास के ग्रामीणों से पूछने पर पता चला कि प्रशासन और ठेकेदार के द्वारा सही से नहीं रिपेयरिंग की गई, जिसके कारण यह पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो चुका है। चलिए इनसे मिलते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार। ये कब टूटा है? ये जब 10 दिन पहले जब बाढ़ आया था, उसके बाद इसका मरम्मती शुरू हुआ। फिर भी जब पानी आना शुरू हुआ, जैसे ये धंसना शुरू हो गया, फिर हम लोगों ने मना किया गाड़ी चलाने के लिए, कोई नहीं माना। फिर मना लूँ जब इसका रखवाली होने लगा, जब इसका देखभाल होने लगा। इस पर काम हुआ था? इस पर काम हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन ठेकेदार इसमें बहुत निगम नहीं किया, काम पूरा बढ़िया से नहीं कराया। अभी बोरा से मांडी उटी रखवा के छोड़ दिया, उसके बाद अभी पानी घटने लगा, तो इसलिए ये कांड हो रही है। दरार पट रही है और माटी खिसक रही है, पुल की मरम्मती ढंग से नहीं हो रही है। तो बिना रिपेयरिंग के लिए चार चक्का चलाना शुरू कर दिया? आज चार चक्का, दस चक्का, बारह चक्का सब शुरू हो गया। SPN 9 न्यूज के लिए मोतिहारी से तैयब हसन ताज की रिपोर्ट।